अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग आप बीती, ये भी 10वीं जमात के उर्दू जो है पर्चे में पूछा जाता है, आप बीती लिखिए, है ना। आज हम लोग इसे समझेंगे दो मिसालों के साथ, वो भी देखिए। याद रखें, ये सरगर्मी नामे में इस सरगर्मी को हल करने को उनवान दिया जाएगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं लिख देना, आपको उनवान दिया जाएगा उसके ऊपर आपको उसकी आप बीती लिखनी। कैसे, कोई तस्वीर भी दी जा सकती है और तस्वीर करके कि तस्वीर की शय आपसे बोल रही है ना। कुर्सी, अब आपको कुर्सी दे दिया कि कुर्सी की कुर्सी क्या बोल रही है, कुर्सी बोल रही है कि मैं बोल रही हूँ, कुर्सी बोल रही है तो अपने बारे में कुर्सी बताएगा, वो सब आपको लिखना होता है ना। मौजू तलबा के तजुबात से मुतल्लिक होगा, आपको जैसा आता है आप वैसा लिख सकते हैं। नमूना एक, पहला देखिए, जैसे आपको नवान दिया गया, मैं तख्ता सिया बोल रहा हूँ, इस मौजू पर आप बीती लिखिए। आप बीती मतलब उस पर क्या बीती है, तख्ता सिया पर क्या बीती है, वो तख्ता सिया बता रहे हैं कि जी हाँ मैं तख्ता सिया बोल रहा हूँ, एक माहिर कारीगर ने मुझे बनाया था। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, यहाँ पर पैराग्राफ बनाकर अच्छे से लिखना है, इसी को आप बीती कहते हैं। आप बीती मतलब किसी चीज़ आपको सवाल में दी गई है उसके बारे में लिखना, उसको अपने तजुर्बात से लिखना और बताना। जैसे यहाँ पे आपको तख्ता से या ब्लैक बोर्ड दिया गया है, अब ब्लैक बोर्ड अपने बारे में बता रहा है कि मैं ऐसा था, मेरे साथ ये हुआ, है ना। अब मैं रेल, सीमेंट, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों से बनाया जाता हूँ। दूसरा वाला मिसाल में हम लोग देखेंगे, दूसरा वाला में टेलीफोन की आप बेती, टेलीफोन अब अपनी कहानी सुना रहा है, ट्रन ट्रन ट्रन, अरे उठाओ ना मेरा रिसीवर, क्या तुम अपने मोबाइल ही में लगे रहोगे, तुम मेरी ये रिवायती आवाज़ सुनकर चौंक गए ना। चौंकना फितरी है क्योंकि अब मैं तो किसी किसी के घर में पाया जाता हूँ। ऐसे आपको एकदम अच्छे से लिखना है, अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना है, अच्छे से पैराग्राफ बनाकर लिखना है, ताकि जो पेपर चेकर होगा उसको आपके अगर आप पूरा भी नहीं पढ़े, आधा पढ़े, लेकिन आपकी खूबसूरती देख कर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये थी आप बीती, मैंने